नॉलेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हुए हमारे सामने कुछ मॉडल्स हैं उन मॉडल्स में कुछ तो ऑर्गेनाइजेशनल मेचोरटी के मॉडल्स हैं कुछ फिर की के एम के मेचोरिटी के मॉडल हैं उन मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल जो है जो ऑर्गेनाइजेशनल मेच्योरिटी का मॉडल है वो है कैपेबिलिटी मेचोरिटी मॉडल इस मॉडल के बारे में देखते हैं कि हमें क्या समझाता है क्या बताता है तो सबसे पहले तो मेचोरटी मॉडल्स का एक कॉन्सैप्ट है कि नॉलेज ऑडिट ऑल्सो लुक्स हैट तो ओवरऑल मैच्योरिटी लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस फॉर के एम अब ये जो मैच्योरिटी मॉडल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये असल में उसकी रेडीनेस होती है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ी है ऑर्गेनाइजेशन की कितनी प्रेपरेशन है कि वो नॉलेज मैनेजमेंट के काम को अप्लाई कर सके एन ऑप्टिमल पॉइंट और अ थ्रेश होल्ड पॉइंट दैट शुड बी रीच्ड बिफोर इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड

ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्रेस एज दे डिफ़ाइन इम्प्लीमेंट इवॉल्व एंड इम्प्रूव देयर प्रोसेस कि अपने प्रोसेस को वो किस तरह से डिफ़ाइन करने से लेके तो उसको इम्प्लीमेंट करने तक और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने तक उसको यूज़ करती हैं उसको मेचोरिटी मॉडल कहते हैं दिस मॉडल सर्वज अ गाइड फॉर सेलेक्टिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज बाई फेसिलिटेटिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ़ द करंट प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशूज़ मोस्ट क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट विद इन अ पर्टिकुलर डोमेन कि किसी भी सब्जेक्ट एरिया में किसी भी काम के लिए जब हमने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए जो है ये मॉडल जो है ये गाइड का, का काम करता है और उसके जो स्टेप्स हैं वो हमें समझाता है अब हम आते हैं कैपिलिटी मेचोरिटी मॉडल सी एम एम एन ऑर्गनाइजेशनल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स फाइव एवोलूशनरी स्टेजस और लेवल इन विच एन ऑर्गनाइजेशन मैनेज़स इट्स प्रोसेस इसमें पाँच लेवल या स्टेजस हैं कि जिसकी मदद से कोई भी इदारा किसी भी नया कंसेप्ट को या आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है एन ऑर्गेनाइजेशन शुड भी एबल टू एब्जॉर्ब एंड कैरी इट्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनस हैं कोई भी काम करने के लिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इदारे को आपने रेडी करना है या प्रिपेयर करना है उसके लिए ये मॉडल काम आता है इस मॉडल की स्टेजेस क्या हैं इस मॉडल की जो स्टेजेस हैं वो हैं सबसे पहले आप जब भी कोई नया काम करेंगे किसी इदारे में तो सबसे पहली स्टेज है इनिशियल इनिशियल में क्या होता है प्रोसेस आर एड हॉक और नॉट वेल डिफाइंड कि जो भी उसके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वो बिल्कुल तरतीब के बगैर हैं अनऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज हैं एडहॉक का मतलब है आर्जी तौर पर काम चल रहा होता है और वहाँ पर काम करने की एक ज़रूरत भी अभी शायद महसूस नहीं की जा रही होती उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है वो है रिपीटबल का कि बेसिक प्रोसेस आर एस्टैब्लिश्ड एंड देर इज़ अ लेवल ऑफ डिसिप्लिन टू स्टिक टू दीज प्रोसेस कुछ प्रोसेस जो हैं वो बेसिक नेचर के वो बन जाते हैं वो डिफ़ाइन हो जाते हैं और उनके जो डेली रूटीन है जो डे टू डे वर्किंग है उसमें उन प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा होता है इसे हम रिपीटेबल कहते हैं कि प्रोसेस हैं और रिपीट भी हो रहे हैं अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल है इम्प्रूवमेंट का वो है डिफाइंड ऑल प्रोसेस आर डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्डाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू टू ईच अदर अब इसमें क्या है कि तमाम प्रोसेस को डिफाइन कर लिया गया है डॉक्यूमेंट कर लिया गया है स्टैंडर्डाइज कर लिया गया है और उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है और उनकी आपस में इंटीग्रेशन भी है इसके बाद जो लेवल है वो है मैनेज्ड अब ये पिछले तीन लेवल से भी ऊपर का या बेहतर लेवल है इसमें क्या होता है कि प्रोसेसेस आर मेजर्ड बाय कलेक्टिंग डिटेल्ड डेटा ऑन द प्रोसेसेस एंड देयर क्वालिटी कि प्रोसेसेस को मैयर भी किया जा सकता है उनको क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली मैयर किया जाता है कि वहाँ से डाटा इकट्ठा करके और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एवेलुएट किया जा सकता है और किया जाता है इसके बाद आखिरी लेवल है वो है ऑप्टिमाइजिंग का ऑप्टिमाइजिंग में क्या होता है कॉन्टिनस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज़ अडॉप्टेड कि ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बन जाता है या बना लिया जाता है कि जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट अपने अंदर रखता है and in place by quantitative feedback and from piloting new ideas and technologies ke new ideas or new technologies ko pilot karke unka jo initial kaam hai wo karke to ek routine bana li jati hai और processes के अंदर जो adaptation है जो changes है environment के साथ साथ वो automatically होती चली जाती है इसके लिए एक system बन जाता है और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी नए कंसेप्ट को अप्लाई करने का एक हाईएस्ट लेवल है इसमें एक मिसाल आपके सामने है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि ये सी एम एम पे यानी कैपेबिलिटी मेजोरिटी मॉडल पर बेस करके एक ये जो फ़िगर है वो बनाई गई है कि जब आप एक काम को शुरू करते हैं उसको फिर एंड तक कैसे पहुंचाते हैं इसमें देखिए है, सबसे पहला जो स्टेप है वो कांटेक्ट का है कि जो भी इदारे में चेंज लाना चाहता है वो एम्प्लॉज़ के साथ या उसके ओनर्स के साथ वो कॉन्टेक्ट करेगा उसके बाद वहाँ पे अवेयरनेस पैदा करेगा अगला स्टेप अवेयरनेस अब यहाँ पे ये भी देखिए कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है इधर जो है वो कमिटमेंट आगे बढ़ रही है कि कितनी कमिटमेंट रिक्वायर्ड है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है किसी भी काम को करने के लिए तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट की अवेयरनेस के बाद एम्प्लॉज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है अंडरस्टैंडिंग के बाद एक ट्रायल रन किया जाता है किसी भी नए सॉफ्टवेयर का किसी भी नए आइडिया का उस ट्रायल रन में अगर कामयाबी हो तो उसके बाद उसे अडॉप्ट किया जाता है और जब अडॉप्शन हो जाती है तो उसके बाद उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है अब इंस्टीट्यूशलाइज करने का मतलब यह है कि अगर वो जो अडॉप्शन का, का काम किसी एक एक सेक्शन में किया था अब इसे पूरे इदारे की तरफ से ओन कर लिया जाता है और जब उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाता है तो फिर आटोमेटिकली वो काम आइंदा के लिए रिपीट होना शुरू हो जाता है तो इस तरीके से ये जो इसमें कैपेबिलिटी मेचोरटी मॉडल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये इस तरीके से काम करता है